तो स्वागत दोस्तों आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार की हैप्पी न्यू ईयर वाली फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूं। दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है, वीडियो को एंड तक देखते रहना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लो। चैनल पर दोस्तों अगर आप नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेके आती रहती है। चलिए दोस्तों तो इस वीडियो को सिंपली से हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। दोस्तों इस फोटो बनाने के लिए दोस्तों आपको पिक्सआर्ट ऐप चाहिए होगा और लाइटरूम ऐप चाहिए होगा। तो दोस्तों आप इसको सिंपली से प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल कर लीजिएगा। पिक्सआर्ट को ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, एडिट ए फोटो पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर और मेरे डिस्क्रिप्शन पर दोस्तों यहाँ पर आपको जो फोटो हैं वो मिल जाएंगे, जो भी इसके अंदर यूज़ होंगी वो सभी दोस्तों वहाँ पर आप जाकर इसको डाउनलोड वो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी। और दोस्तों मेरे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर दोस्तों आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस फोटो को ऐड कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक और फोटो ऐड कर लेनी है, वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली से चले जाना है ब्लेंड वाले ऑप्शन पर, और ब्लेंड वाले ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से इसको लाइटन वाले जो ऑप्शन होता है उसके अंदर जाकर दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से इसको डन है वो कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप इसको अपने अनुसार यहाँ पर एडजस्ट है वो कर सकते हैं, जैसे कि आपको अच्छा लगे वहाँ पर दोस्तों आप इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिंपली से इसको जहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर के दोस्तों यहाँ पर ऊपर है इसको एडजस्ट है वो कर दिया है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको डन कर देना है। और दोस्तों अब आपको खुद की एक फोटो ऐड कर लेनी है जो कि आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। दोस्तों वो वाली फोटो यहाँ पर आपको सिंपली से ऐड है वो कर लेनी है, और ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसका PNG ऐड करना है। और अगर दोस्तों आपको PNG नहीं बनाना आता तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसका PNG आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको पिक्सआर्ट से PNG नहीं बनाएगा, क्योंकि ये पिक्सआर्ट से दोस्तों PNG तभी बनता है जब आपने इसका प्रीमियम लिया हुआ हो। दोस्तों इसका PNG बनने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस प्रकार से कुछ इसको एडजस्ट है वो कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको चले आना है लेयर वाले ऑप्शन पर, और लेयर वाले ऑप्शन पर दोस्तों पहले मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों थोड़ा सा इसको आपको एडजस्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको चले जाना है लेयर वाले ऑप्शन पर, और लेयर वाले ऑप्शन पर जाकर दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से इसको डुप्लीकेट वाला जो ऑप्शन होता है उस पर दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से क्लिक का वो कर देना है, ताकि जो आपकी फाइल है ये डुप्लीकेट है वो हो जाए। डुप्लीकेट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से इसको रोटेट है वो कर देना है। रोटेट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से रोटेट वाले ऑप्शन पर जाना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टली इसको यहाँ पर रोटेट कर देना है। अब दोस्तों मैंने इसकी पहले से PNG नहीं बना रखी थी इसलिए मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अगर आप इसके अंदर PNG ऐड करेंगे तो आपको बार बार इसकी PNG बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मेरे फोटो के नीचे दोस्तों यहाँ पर इसको डुप्लीकेट है करके एडजस्ट है वो कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से ओपेसिटी के ऑप्शन पर चले जाना है, और दोस्तों इसकी ओपेसिटी आपको थोड़ी सी कम है वो यहाँ पर कर देनी है, ताकि थोड़ी सी शेडो वाला यहाँ पर लुक है दोस्तों वो देख सके। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमारी फ़ोटो हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से चले जाना है ऐड फोटो के ऑप्शन पर, और दोस्तों यहाँ पर आपको एक और दोस्तों जो PNG है वो यहाँ पर ऐड है वो कर लेनी है, ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम उस PNG को भी यहाँ पर सिंपली से ऐड है वो कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिंपली से इस PNG को ऐड कर लिया है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर में मूव डाउन का, इसको दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन को यहाँ पर बार बार दबाते रहना जब तक ये पीछे नहीं चला जाए। और दोस्तों पीछे जाने के बाद यहाँ पर आपको इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देना है, ताकि ये और भी अच्छा यहाँ पर लग सके। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं 2023 हमारा यहाँ पर लग चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से डन अगर आप करना चाहें डन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ यहीं से यहाँ पर ऐड फोटो करना चाहते हैं तो वो यहाँ से भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर सिंपली से स्टिकर वाले ऑप्शन पर चले जाता हूँ, और दोस्तों अब मैं यहाँ पर सिंपली से सर्च कर लेता हूँ हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर वाले सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आपको स्टिकर देखने के लिए मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप जैसा आपको स्टिकर अच्छा लगे वैसा आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक बैलून वाला दोस्तों यहाँ पर स्टिकर है वो ऐड कर लिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं अब ये कुछ इस प्रकार का यहाँ पर लगने लग गया है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर सिंपली से ऐड स्टिकर पर दोस्तों यहाँ पर फिर से मैं चला जाता हूँ, और दोस्तों अब हम एक और स्टिकर यहाँ पर ऐड करेंगे। तो चले जाते हैं दोस्तों हम स्टिकर पर, और दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिंपली से इस वाले स्टिकर को ले लिया है। इस वाले स्टिकर को लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से इसको कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है, जैसे कि आपको अच्छा लगे। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से इसको यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेना होगा, जैसे कि हमने हमारी फ़ोटो को पहले किया था। डुप्लीकेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से इसको रोटेट है वो कर लेना है, दूसरे जो सा आपने बनाया है। रोटेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से चले जाना है
ओपेसिटी पर, और दोस्तों इसकी ओपेसिटी आपको थोड़ी कम है वो कर देनी है। अब आपके जो फोटो है दोस्तों यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से दोस्तों यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आप इसके अंदर और भी ज़्यादा स्टिकर ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली से इसको फोटो को यहाँ पर आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अब आपको लाइट रूम ऐप के अंदर चले जाना है। अब बाकी का जो स्टेप होगा दोस्तों मैं आपको लाइट रूम ऐप के अंदर ही चलकर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम चले जाते हैं अपने सिंपली से लाइट रूम ऐप के अंदर। लाइट रूम ऐप के अंदर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये थोड़ी लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो फोटो वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और दोस्तों अपनी फोटो को यहाँ पर आपको सिंपली से ऐड कर लेना है। अब आपकी फोटो है जो इसके अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगी, आपको ऑल फोटो पर क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपने फोटो ऐड की है उस पर क्लिक कर देना है तो आपकी फोटो ओपन हो जाएगी। अब आपको चले जाना है दोस्तों यहाँ पर सिंपली से प्रीसेट वाले ऑप्शन पर, और प्रीसेट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको रिकमेंड वाला जो ऑप्शन दिखेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये आपकी फोटो के अनुसार आपको जो यहाँ पर इफेक्ट देगा तो दोस्तों आप उनको अप्लाई कर सकते हैं और आपकी फोटो और भी ज़्यादा अच्छी लगने लग जाएगी। और दोस्तों ये वाले जो इफेक्ट है दोस्तों ये तभी आता है जब आप इसका प्रीमियम लेते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपको वो प्रीमियम नहीं लेना है तो आप इसको ध्यान से वीडियो को एंड तक देखते रहना, मैं आपको सभी सेटिंग दिखा दूंगा, आप बिना प्रीमियम के भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रीसेट आप अगर आप प्रीसेट नहीं करना चाहते तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर सिंपली से करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से अपनी जो फोटो है उसको यहाँ पर एक्सपोर्ट है वो कर लेना है।